अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बोल पापा बोल के मजिज नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। जापान का टोक्यो शहर आजकल ईमानदारी में सारी दुनिया में टॉप कर गया है, और जापानी अकवाम आलम में नंबर वन कैसे है, ये 10 हकाइक आपको वजह बताएंगे। नंबर वन, जापान में पहली जमात से लेकर तीसरी जमात तक बच्चों को एक ऐसा सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं जिसमें इन्हें रोजमर्रा के मामलात और लोगों के साथ बर्ताव की अखलाकियात के बारे में समझाया और बताया जाता है। नंबर टू, जापान में पहली जमात से लेकर तीसरी तक बच्चों को फेल करने का कोई तसव्वुर नहीं है, क्योंकि इन छोटे बच्चों की तालीम का मकसद इनकी तरबियत और इनकी शख्सियत की तमीर होती है, ना कि इनको तलकीन और रवायती तालीम। नंबर थ्री, चाहे जायका जापानी दुनिया के अमीर तरीन कौमों में शुमार होते हैं, मगर इनके घर में काम काज के लिए नौकर और खादिम का कोई तसव्वुर नहीं है, माँ बाप ही बच्चों और घर के जिम्मेदार होते हैं। नंबर फोर, जापानी बच्चे रोजाना अपने उस्ताज़ के साथ मिलकर 15 मिनट के लिए अपने स्कूल की झाड़ पूंछ करते हैं और सफाई सुथराई भी करते हैं। इसी मशक का तसव्वुर अखलाकी तौर पर मतवाजा बनाना और अमली तौर पर सफाई पसंद बनाना होता है। नंबर फाइव, जापान में हर बच्चा अपना दांत साफ करने वाला ब्रश भी स्कूल में लेकर जाता है। स्कूल में खाने पीने के बाद इनसे दांत साफ कराए जाते हैं। अपने बचपन से ही इनको अपनी सेहत का ख्याल रखने वाला बनाया जाता है। नंबर सिक्स, स्कूल में असातिज़ा और मुंतजमीन खाने का मयार जांचने और बच्चों को सलामती की यकीनी बनाने के लिए तलबा से आधा घंटा पहले खाना खाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि यही बच्चे जापान का मुस्तकबिल हैं और इनकी हिफाजत का यकीनी बनाया जाना कितना अहम है। नंबर सात, जापान में सफाई का काम करने वाले को एक खास नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब हेल्थ इंजीनियर बनता है। इसकी तनख्वाह अमरीकी डॉलर में 5,000 से 8,000 के दरमियान रहती है। इस मुलाजमत के लिए उम्मीदवार बकायदा जुबानी और तहरीरी इम्तिहान पास करते हैं। नंबर आठ, जापान में गाड़ियों, रेस्टोरेंट्स और बंद में साइलेंट मोड पर लगे मोबाइल को एक खास नाम दिया जाता है, जिसका मतलब अखलाक पर लगा होना बनता है। नंबर नाइन, जापान में अगर आप किसी खुली दावत या बुफिया डिनर पर चले जाएं, वहां पर भी यही देखेंगे कि लोग अपनी प्लेटों में जरूरत के मुताबिक खाना डालते हैं। प्लेटों में खाना छोड़ना जापानियों की आदत नहीं। नंबर 10, जापान में साल भर गाड़ियों की औसत तखैर 7 सेकंड तक होती है। जापानी वक्त के कदरदान लोग हैं और मिनटों सेकंडों को भी कीमती समझते हैं। नंबर 11, बहुत खूब, लेकिन एक जरूरी बात वो ये है कि जापानी अमीर नहीं होते। दुनिया के 100% अमीर लोगों में एक भी जापानी नहीं है। जिंदगी बहुत सिंपल है, और टेलीफोन साइलेंट मोड पर, जिसको जापानी जुबान में मिनरल मोड कहते हैं, हमारे यहाँ नौजवान बाइक का साइलेंसर भी मुंह पर करवाते हैं, ताकि बसाते भर मजीद शोर पैदा कर सकें। ये थे जापान के अजीबो गरीब हकायक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर।